हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BA LLB लेक्चर नंबर 2। इन दिस लेक्चर आई टॉक यू विथ एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ। इन एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ मीन्स पर्सन्स टू होम हिंदू लॉ अप्लाइज। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ अप्लाइज to the following categories of persons. First, Hindus by birth and also to Hindus by religion, converts to Hinduism. But the question arises, who are Hindus? Before the advent of Muslims in India, the term Hindu has no creedal connection. Then it has a territorial significance. Probably it is also denoted nationality. It seems that the word Hindu came into vogue with the advent of Greeks, who called the inhabitants of the Indus Valley as Indoi, and later on this designation was extended to exclude all persons who live beyond the Indus Valley. Today, the term Hindu has no territorial significance, nor it is a designation of nationality. Today, it has also lost much of its creedal significance. It is very significant that the term Hindu, even before the codification of some branches of Hindu law in 1955-1956, has not been defined strictly in terms of religion. Before 1955, a person who was Hindu by religion was certainly a Hindu, but the converse was not true. There were persons who could hardly be called Hindu by religion, yet Hindu law applied to them, and since Hindu law applied to them, they were called Hindus. Thus, at the time of codification, we had reached a stage when it was easier to indicate a Hindu negatively, a person who was not Muslim, Christian, Parsi or Jewish was a Hindu. It was in respect of religious endowments that the definition of Hindu in terms of religion was some significance. But in ancient law, if we can say that in India, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का नाम दिया था, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान है। बृहस्पति यागम में ये कहा गया है, हिमालयात समारंभ यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचथते। अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द सिंधु से बना माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के दो मुख्य अर्थ हैं। पहला सिंधु नदी, जो मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है। दूसरा कोई समुद्र या जलराशि। ऋग्वेद की नदी स्तुत के अनुसार वे सात नदियाँ सिंधु, सरस्वती, झेलम, सतलुज, रावी, चेनाब, व्यास। दूसरे अर्थ के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही
वयम इंदु का अंतिम अक्षर इंदु, इन दोनों अक्षरों के मिलाकर शब्द हिंदू या वह भाग जो हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म के बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था, चूँकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म या सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे, जब तक कि किसी अन्य धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में केवल वैदिक धर्मावलंबी अर्थात हिंदुओं के बसने कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संबंध में प्रयुक्त करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि अनेक विश्लेषकों ने जो यह शब्द हिंदू शब्द है, यह एक धारणा यह है कि यह एक फारसी शब्द है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वह भूमि जो आर्य भाषाओं की सध्वनि अर्थात ईरानी भाषाओं की है ध्वनि बदल जाता है, इसलिए सप्त सिंधु अवेस्ता भाषा पारसियों की धर्म भाषा जो है वह हप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले को हिंदू नाम दिया। जब अरब में मुस्लिम हमलावर भारत आए तो उन्होंने भारत में मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। चारों वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, स्मृतियों में इस धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहा गया है, बल्कि वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। हिंदू धर्म कोई अकेले सिद्धांतों का समूह नहीं है, ये जिसे सभी हिंदुओं की मानना जरूरी है। ये तो धर्म से ज़्यादा एक जीवन मार्ग है। हिंदुओं का कोई केंद्रीय चर्च या धर्म संगठन नहीं है और न ही कोई पोप। इसके अंतर्गत कई मत और संप्रदाय आते हैं, फिर भी वे मुख्य सिद्धांत जो ज़्यादातर हिंदू मानते हैं उन सब में विश्वास, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र जिसे मोक्ष कहा जाता है, जिसके रास्ते कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म स्वर्ग और नरक को अस्थाई मानता है, हिंदू धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में आत्मा होती है, मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस लोक में पाप और पुण्य दोनों कर्म भोग सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में चार मुख्य संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त, स्मार्त। वैष्णव उन्हें कहा जाता है जो अपने इष्ट को विष्णु मानते हैं, विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं। दूसरे शैव उन्हें कहा जाता है जो अपने इष्ट या अपने ईश्वर को शिव को मानते हैं। शाक्त उन्हें कहा जाता है जो देवी को परम शक्ति के रूप में मानते हैं। और स्मार्त उन्हें कहा जाता है जो किसी परमेश्वर की एक रूप में विश्वास न करके सभी विश्व परमेश्वर को एक ही समान मानते हैं। इसलिए हिंदुओं में ज़्यादातर लोग विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए हैं। मध्यकाल में शैव, शाक्त, वैष्णव और स्मार्त अपने में लड़ते रहते थे, किंतु मध्यकाल में संतों ने समन्वित करने की सफल कोशिश की और सभी संप्रदायों को परस्पर आश्रित बताया। अगर संक्षेप में देखा जाए तो प्राचीन काल में जहाँ तक हिंदू का प्रश्न है, हिंदू को उन्हें माना जाता था कि हिंदू गोसु भक्ति भर्व वेदस्य प्रवणे च दृष्टा मते पुनर्जन्मानि विश्वास स वह हिंदूरित स्मृत है। अर्थात गो माता में जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मंत्र हो, पुनर्जन्म में जिसका विश्वास हो वह हिंदू है। मीरुतंत्र के श्लोक 33 में ये कहा गया है, हीनम दूषयति स हिंदू
अर्थात जो हीन, अर्थात हीनता या नीचता को दूषित समझता है या उसका त्याग करता है वह हिंदू है। लोकमान्य तिलक ने भी कहा है कि असिंधोह सिंधु पर्यंता अस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूरश्च स व हिंदूरित स्मृत है, अर्थात सिंधु नदी के उद्गम स्थान से लेकर सिंधु हिंद महासागर तक संपूर्ण भारत भूमि जिसकी पितृभू अथवा मातृभूमि तथा पुण्यभू जिसे पवित्र भूमि कहा जाता है और उसका धर्म हिंदुत्व है वह हिंदू कहलाता है। हिंदू शब्द जैसा कि हमने पहले बताया यह वास्तव में फारसी शब्द है। इसका अर्थ उन भारतीयों से है जो भारतवर्ष के प्राचीन ग्रंथों वेदों पुराणों में वर्णित भारतवर्ष की सीमा के मूल पैदाइशी प्राचीन निवासी हैं। कालिका पुराण मेदिनी कोश आदि के आधार पर वर्तमान हिंदू विद के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार वेद प्रतिपादित वर्णाश्रम रीति से वैदिक धर्म या सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हिंदू है। यद्यपि कुछ लोग कई संस्कृत के मिश्रित रूप को ही भारतीय संस्कृत मानते हैं जबकि ऐसा नहीं है। जिस संस्कृति या धर्म की उत्पत्ति एवं विकास भारत भूमि पर नहीं हुआ है वह धर्म या संस्कृति भारतीय या हिंदू कैसे हो सकती है। जहाँ तक हिंदू विधि के मुख्य सिद्धांतों का प्रश्न है या हिंदू धर्म के मुख्य सिद्धांतों का प्रश्न है वह है कि ईश्वर के अनेक नाम हैं, ब्रह्मा या परम तत्व सर्वव्यापी हैं, ईश्वर से डरें नहीं, प्रेम करें और उनसे प्रेरणा लें। जहाँ तक हिंदुत्व का प्रश्न है हिंदुत्व का लक्ष्य स्वर्ग नरक से ऊपर है। हिंदुओं के अंतर्गत कोई एक ईश्वर नहीं है अर्थात बहु ईश्वरवादी में विश्वास करता है और यह परोपकार को पुण्य मानता है और दूसरों को कष्ट देना पाप मानता है। जीव मात्र की सेवा परमात्मा की सेवा है, स्त्री आदरणीय है। लेकिन जहाँ तक हिंदू के प्रश्न की व्याख्या का प्रश्न है इसके बारे में इसे हिंदू विधि के अंतर्गत ये कहा गया है कि यह प्रश्न हमेशा से ही विवादास्पद रहा है। हिंदू किसे कहा जाए इसके बारे में हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने इन शास्त्री यज्ञपुर दास जी वर्सेज मूल दास भूधर दास वैश्य के मामले में यह कहा है कि इन शास्त्री यज्ञपुर दास जी वर्सेज मूल दास भूधर दास वैश्य AIR 1966 SC 1119 जस्टिस गजेंद्र गडकर 2 इलोसिएशन वाज मेड एन इसेंशियली रिलीजियस कंटेस्ट द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट रिलेटेड टू द एंट्री ए टेम्पल बिलोंगिंग टू द सत्संगी कल्ट अंडर द बॉम्बे टेम्पल इंटरी लेजिस्लेशन सम फॉलोअर्स ऑफ द स्वामी नारायण सेक्ट नोन एज सत्संगी ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ सत्संगीज ऑफ द नॉर्दर्न डायोसीज ऑफ द सेक्ट ऑफ अहमदाबाद फाइल्ड ए सूट फॉर इंजंक्शन ऑन द एलिगेशन दैट ऑन मूल दास भूधर दास वैस प्रेसिडेंट ऑफ द महागुजरात दलित संघ इंटेंडेड असॉल्टिंग द राइट्स ऑफ नॉर्थ सत्संगीज हरिजन्स of entering the temple in exercise of the right conferred on them under the Bombay Temple Entry Law. The main argument was that the Swaminarayan Sampradaya being a non-Hindu sect and the temple being also a non-Hindu temple, the Harijans had no right
to enter it in the Supreme Court with a view to elaborating the meaning of Hindu religion. Gajendra Gadkar J. drew copiously freely from the words of eminent scholars and writers of Hindu religion and philosophy. His lordship observed, beneath the diversity of philosophic thoughts, concepts and ideas expressed by Hindu philosophers who started different philosophical schools, lie certain broad concepts which can be treated as basic. The first among these basic concepts in the acceptance of Vedas as the highest authority in religious and philosophical matters, this concept necessarily implies that all the system claims to have drawn their principles from a common reservoir of thoughts enshrined in the Vedas. The other basic concepts, which is common to six systems of Hindu philosophy, is that all of them accept this view of the great world rhythm, vast periods of creation, maintenance and dissolution follows each other in endless succession. It may also be said that all the system of Hindu philosophy believe in rebirth and pre-existence. The learned judge, after examining the basic tenet of the Swaminarayan sect, observed that this is most important decision delivered by the Justice Gajendra Gadkar, and these lines, which elaborate in next few words, the most important term for Hindu religion. Even a cursory study of the growth and development of Hindu religion through the age is shown that whenever saint or religious reformer attempts the task of reforming Hindu religion and fought the irrational or corrupt practices which crept into it, a sect was born which was governed by its own tenets but which basically subscribed to the fundamental notions of Hindu religion, the Hindu philosophy. It has never been suggested that these sects are outside the Hindu Brotherhood and the temples they honor are not Hindu temples. The same was held to the true with the Swaminarayan sect. In next case, Manohar Joshi versus N.B. Patil, A.I.R. 1996-796, the Supreme Court held that in that case, a person are Hindu or not. The Supreme Court said that